आप लोगों का मेरे चैनल में गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनीज़ के डिविडेंड के बारे में। जो कंपनियां अभी जून एंड जुलाई में डिविडेंड देने वाली हैं उनके रिकॉर्डेड और एग्जिट के बारे में बात करेंगे। वहीं हमारी एक कंपनी है टाटा स्टील। जैसा कि आप देख रहे हो, टाटा स्टील के अंदर नियर अबाउट 2% की गिरावट देखने को मिली थी कल के अंदर। तो गाइस बहुत बड़ी अच्छी खबर निकल कर 3.6 पर शेयर का ये डिविडेंड दे रही है। एंड इसकी एग्जिट और रिकॉर्ड डेट रहेगी, एग्जिट रहेगी 22 जून की और जो रिकॉर्ड डेट रहेगी वो रहेगी 23 जून की। सो गाइज आप लोगों की पोजीशन है तो इजिली होल्ड करके चले। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो गाइज हमारी नेक्स्ट कंपनी है टेक महिंद्रा लिमिटेड। जैसे कि आप देख रहे हो, टेक महिंद्रा लिमिटेड का जो शेयर प्राइस चल रहा है 1046 रुपीज़ का चल रहा है। एंड गाइज इसके अंदर 28% की, मतलब 0.28% की माइनर सी तेज़ी देखने को मिली थी कल के दिन। गाइज ये भी डिविडेंड देने वाली है, 32 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड देने वाली है। गाइज इसकी जो एक्स रेट है वो हमारी जुलाई की है, 21 जुलाई की। एंड इसकी जो रिकॉर्ड डेट रहेगी वो रहेगी 22 जुलाई की। तो गाइज इसमें भी पोजीशन इजीली होल्ड करके चलिएगा, कंपनी बड़ी ही जल्दी आप लोगों को डिविडेंड देने वाली है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। सो गाइज आपकी नेक्स्ट कंपनी है हीरो मोटो कॉरपोरेशन लिमिटेड। गाइज जैसा कि आप देख रहे हो कि हीरो मोटो कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी नियर 0.61% की, मतलब कैसे नियर अबाउट 1% की तेज़ी देखने को मिली थी। बट इसका जो शेयर प्राइस क्लोज हुआ 2601.10 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था गाइज। तो ये भी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, कितना, 35 रुपीज़ पर शेयर का। एंड गाइज इसकी ये भी फाइनल डिविडेंड ही बांट रही है और इसकी एक्स डेट रहेगी 27 जुलाई की और इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 28 जुलाई की। तो चलिए गाइज आपकी पोजीशन इस पर भी होल्ड करके चलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। सो गाइज आपकी नेक्स्ट कंपनी है अतुल लिमिटेड। गाइज अतुल लिमिटेड में भी 0.56% की तेज़ी देखने को मिली थी माइनर सी। एंड इसका जो शेयर प्राइस है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो महंगा स्टॉक है, 6955 रुपीज़ का है। एंड गाइज इस ये भी डिविडेंड बांट रहा है 25 पर शेयर का। एंड इसका जो एक्स डेट है वो 14 जुलाई है एंड इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 15 जुलाई की। तो गाइज इसमें अगर आपकी पोजीशन है इजिली होल्ड करके चलें। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। सो गाइज नेक्स्ट कंपनी निकल कर आती है एम्फोसिस लिमिटेड की। एम्फोसिस लिमिटेड में देखो कल के दिन नियर अबाउट 1% की गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ 1852 रुपीज़ पे। गाइज ये कंपनी भी डिविडेंड दे रही है 50 पर शेयर का। एंड गाइज इसकी एग्जिट रहेगी 5 जुलाई की और इसकी रिकॉर्ड डेट कह सकते हो रहेगी 6 जुलाई की। तो गाइज ये भी 50 रुपये का डिविडेंड दे रही है। अब आपकी पोजीशन है इस पर भी होल्ड करके चले। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। सो गाइज नेक्स्ट कंपनी है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में भी 0.53% की गिरावट देखने को मिलती कल के दिन, 410 रुपये के प्राइस पर यह स्टॉक क्लोज हुआ। एंड ये भी डिविडेंड दे रही है 2.5 पर शेयर का, 2.5 है गाइज पर शेयर का, इसमें डॉट आ नहीं रहा है। एंड इसकी एक्स डेट है 7 जुलाई एंड इसकी रिकॉर्ड डेट भी 7 जुलाई की ही है। सो गाइज इसमें भी आपकी पोजीशन है इजिली होल्ड करके चले। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। सो गाइज 7 नंबर पे हमारी नेक्स्ट कंपनी है ACCC लिमिटेड। इसमें भी 1% की, मतलब 1.06% की तेज़ी देखने को मिली थी कल के दिन। स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ 1805 रुपीज़ पे। ये कंपनी भी डिविडेंड दे रही है 9.25 पर शेयर का, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ। एंड इसकी एक्स डेट रहेगी 7 जुलाई की सेम एंड रिकॉर्ड डेट भी 7 जुलाई की सेम है। तो गाइज इसमें भी अपनी पोजीशन को इजिली होल्ड करके चलेगा। अब बात करते हैं जो हमारे 8 नंबर पर कंपनी आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सो गाइज देखिए इस कंपनी का भी शेयर प्राइस चला 282.30 रुपीज़ का एंड इसमें 1.14% की गिरावट देखने को मिली थी। गाइज ये कंपनी भी फाइनल डिविडेंड दे रही है, जिसको हम फाइनल डिविडेंड, जैसे कि मैं बता रही सारी कंपनीज फाइनल डिविडेंड दे रही है, ये भी 6 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। एंड इसकी एक्स डेट रहेगी 21 जुलाई की एंड इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 22 जुलाई की। तो गाइज इसमें भी इजिली आप पोजिशन होल्ड करके चले। स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली बट इट डजेंट मीन कि कंपनी डिविडेंड इतना अच्छा दे रही है तो उसमें आगे पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। इजिली अपनी पोजिशन को आप होल्ड करके चलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। सो गाइज हमारी नेक्स्ट कंपनी आती है सोना BLW Precision फॉरगेन लिमिटेड। इसका भी शेयर प्राइस चला 536 रुपये का एंड इसमें नियर अबाउट 2% की, मतलब कह सकते हो 2% की बहुत भारी एक तरीके से गिरावट देखने को मिली थी कल के दिन। लेकिन एक अच्छी खबर निकल गई, कंपनी डिविडेंड दे रही है 1.53 पर शेयर का। एंड गाइस इसके अंदर भी अपनी पोजीशन को इजिली होल्ड करके चलिए। थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली है बट जैसे ही डिविडेंड की डेट पास आएगी तो आपको इसके अंदर पॉजिटिविटी देखने को भी मिल सकती है।
30 जून इसकी एक्स डेट रहेगी और 30 जून ही इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी, तो इसलिए अपनी पोजीशन को कैरी करके चलें। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी की। तो गाइस हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी है निपॉन लाइफ इंडिया असेसमेंट मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इसमें कल के दिन -0.32% की गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक प्राइस ट्रेड किया 237 रुपीज पे। एंड गाइस ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी खबर लेकर आई कि ये भी डिविडेंड बांट रही है फाइनल 7.5 पर शेयर का। जैसे कि उन्होंने बताया आपको इसके अंदर पॉइंट आ नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा वो मत सोचिएगा। एंड गाइस इसकी जो एक्स डेट है 30 जून की है और जो रिकॉर्ड डेट है वो भी 30 जून की है, तो इसके अंदर भी इसलिए पोजिशन को कैरी करके चलें। तो गाइस ये टोटल 10 कंपनीज है जो जून और जुलाई में डिविडेंड देने वाली है। अगर आप लोगों की पोजिशन है तो इसके अंदर इजली कैरी करके चले, और नहीं है तो आप थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। बाकी गाइस को रिकमेंडेशन से वीडियो चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।